नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम। तो कैसे हो मेरे भाई और उनकी बहनों? आई होप कि सब अच्छी होंगे। मतलब दोबारा एक और नई गेम प्ले में आ गए हैं, और इस गेम प्ले में भाई मैं दानव भाई के साथ खेल रहा हूँ। आप लोग को तो पता ही है दानव भाई अपने कितने अच्छे दोस्त हैं, और अपनी अख्तर प्लस दानव वाली जोड़ी तो भाई कतई जहर है, कतई जहर। और यहीं पर चिंकी उतरा हूँ, गन तो मिलती ही नहीं शुरू के 2-3 मिनट। फाइनली जाके भैया एक एक क्रॉसबो मिलता है और सामने बंदे होते हैं, तो देखो कैसे एक नेट करते हैं। लाइक ठोक देना, अभी ठोकम पेटी कर देना भाई लाइक के बटन पर। बूम भाई, पहला किल ही नेट के साथ हुआ है। ये वाला मैच तो फिर अच्छा ही रहना चाहिए। पहले ही लाइक के बटन को ठोकम पेटी कर देना भाई, ठोकम पेटी करके फिर लाइक के बटन को ठोक के रख देना भाई। यहाँ लूट कर ही रहे होते हैं हम कि पीछे की तरफ ना एक बोट आता है। आप लोग को ये डिसाइड करना है ये किल किसको जाएगा, मुझे जाएगा कि दानव भाई को जाएगा। कर लिया डिसाइड, अब देखो क्या रिजल्ट आते हैं। भाई जिन्होंने कहा था ना मेरे को जाएगा वो बिल्कुल सही थे, और जिन्होंने कहा दानव भाई को जाएगा वो बिल्कुल गलत थे। भाई ये किल मेरे को जाते हैं, और दानव भाई की शक्ल है ना देखने वाली होती है। आप लोग शक्ल तो देख नहीं पाओगे, लेकिन वो जिस तरीके से रिएक्शन देते हैं ना भाई, अल्टीमेट रिएक्शन होते हैं, अल्टीमेट। यहाँ लूट लाट करके सामने की तरफ बंदे होते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल वगैरह जो भी बोलते हैं मेरे को नहीं पता। यहीं सामने की तरफ दो बंदे होते हैं, और मैं जा ही रहा होता हूँ, अकेला चला जाता हूँ मैं। दानव भाई को कॉल भी नहीं देता, सिर्फ वो लोकेशन बताते हैं, पर उनका बैकअप बड़ा तगड़ा होता है। देखो फिर इसी के साथ ये वाला डुओ भी इजी डेड, क्योंकि दानव भाई का अपना अच्छा बैकअप था। इसको लास्ट गोली लगती है भाई, अगर गोलियां ख़त्म हो जाती हैं मेरी, अगर गोलियां ख़त्म हो जाती ना ये वाला बंदा मुझे इजी मार सकता था, या फिर मैं नोक नहीं कर पाता, ये वाला किल चला जाता मेरे हाथों से। उसके बाद हम लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं पुचिंग की लूट वगैरह करके, बंदों को मार मूर के। फिर पता लगता है ना कि जहाँ पे हम लोग उतरे थे वहीं पे दो बंदे होते हैं सामने वाले घर में, आपको दिखा होगा। तो हम लोग तो रुक जाते हैं यहाँ, फिर देखो कैसे मारते हैं। एक बार 1 HP। यहाँ दोबारा से दानव भाई के आगे से 2 किल चले जाते हैं भाई, 2 किल। उस बंदे दानव भाई को पता नहीं क्या अगली चलते, उनकी गन ही नहीं चलती, वो मार ही नहीं पाते, और वो मेरे लिए अच्छी बात हो जाती है। मैं फटाक से M4 निकाल के उस वाले बंदे को मार देता हूँ, और ये किल भी मेरे को ही जाता है। उसके बाद हम लोग इस वाली जगह पे आते हैं, और यहाँ पे जो ही दो मेरे दो 3 किल चोरी होते हैं भाई, 3 किल वहाँ पे दानव भाई के होते तो यहाँ पे मेरे होते। सामने बाइक देखते हैं, और देखो भैया देख रहे हो, भाई यहाँ से 3 किल चोरी हो जाते हैं भाई, 3 किल, समझ रहे हो, 3 किल। पहले ये दोनों बाइक वालों को ना M4 से लिटरली दोनों को 1 HP किया था, लिटरली 1 HP भाई, ठीक है। और मैं एक ही चेंज करता हूँ, और एक ही आती नहीं मेरे हाथों में, ठीक है। और उसके बाद ना ये दोनों किल फटाक से दानव भाई ले जाते हैं, ऊपर से एक बोट आता है उसका किल भी वही ले जाते हैं। क्या गंदी किस्मत होती है ना भाई मेरी। उसके बाद हम लोग रोज़ो किल आते हैं, और यहाँ पे ना रोज़ो के में बंदे देख ही रहे होते हैं, ये कहीं ना कहीं तो दिखेंगे ही, पर कोई दिखता नहीं है। पर यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद ना एक गाड़ी आती है, दिखे भाई वो गाड़ी, और ये मेरा सस्ता स्प्रे देखो भाई। पर ये सस्ता नहीं होता, थोड़ा सा महंगा हो जाता है। और फिर हम लोग पूरा लेफ्ट चले जाते हैं उसका किल लेने के लिए, दानव भाई और मैं। ये किल देखते हैं किसको जाते हैं, उन्हीं को ही जाते हैं। लो मैं करता हूँ किल, सुने जाते हैं, पता नहीं भाई क्या ही स्कैम है। देख रहे हो क्या ही लो दिया था मैंने, क्या ही लो दिया था भाई, हेड लगा तो उस बंदे को हेड, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ना एक गाड़ी दिखती है, अभी आप लोग को भी दिखेगी, उसको भी देखना भाई क्या ही लो करता हूँ, इसका भी किल नहीं मिलता मुझे। भैया यहाँ कुछ ज़्यादा ही चौड़ में आ जाता हूँ मैं,
मैं उस बंदे के सामने ही गन रिलोड करने लग जाता हूँ, और मेरे पास दूसरी गन का R98 होती है कि गन चेंज करके इसे मार दूँ, कुछ ज़्यादा ही चौड़ में आ जाता हूँ, और उसके सामने ही जाके खड़ा हो जाता हूँ, और यहाँ चौड़ चौड़ में नोक हो जाता हूँ। पर चलो कोई ना, अपने दानव भाई का अच्छा बैकअप। उसके बाद हम लोग बंदे ढूंढ ही रहे होते हैं इधर से उधर गाड़ी घुमा के, लेकिन कोई मिलता तो है नहीं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, लिटरली बता रहा हूँ, मैं ऊपर वाले से यही प्रे करता हूँ कि बस मेरे 15 किल हो जाए इसमें, बस 15 किल हो जाए, क्योंकि मेरे इतने किल चोरी हुए हैं, बस यही चाहता हूँ। मैं यही प्रे कर रहा था उस टाइम, जिस टाइम खेल रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी इन गेम साउंड रिकॉर्ड नहीं होता, वरना मैं ज़रूर सुनाता। और मैं यही प्रे कर रहा होता हूँ कि बस 15 किल हो जाए मेरे, कुछ भी करके 15 किल। और देखो फिर होता भी है, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, देखना। उसके बाद हम लोग घूम इधर उधर घूम के ऊपर एक बंदा दिखता है, फिर देखो कैसे नॉक करते हैं इसको। लॉक कर चुका होता हूँ मैं, और मैं कुछ भी नहीं देखता ना इधर ना उधर, सीधा और रश कर देता हूँ इस पे, फिर देखो कैसे नॉक करते हैं। इसी के साथ ये वाला बंदा भी अकेला ही होता है पूरे जोर जो में, पता नहीं क्या कर रहा होता है अपने टीममेट से दूर, पक्के रैंडम के साथ ही खेल रहा होगा, रैंडम होते हैं ना आप लोग को तो पता ही है। उसके बाद थोड़ा लूट कर ही रहे होते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक बोट आता है, आप लोग को तो पता ही है हम लोग बोटों पर अत्याचार नहीं सहते भाई, बोटों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, एक बोट ही तो है जो किल और कैडी बढ़ाता है। उसके बाद हम स्क्वाड हाउस पे रश कर देते हैं, दानव भाई को पता नहीं बंदे दिखते हैं, तो हम लोग स्क्वाड हाउस पे रश कर देते हैं। और यहाँ देखना, हम लोग बेफालतू का इतना दिमाग लगा रहे होते हैं, चलो मानता हूँ कि नेड करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा ही डबल माइंडेड दिमाग लगाने लग जाते हैं। देखो पहले तो नेड्स करते हैं, और आप लोग को तो पता ही है कहाँ फूटेंगे नेड, 1-1.5 साल में अगर फूट गए ठीक है, यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली नेड छूट जाता है, पता नहीं क्या के लिए चाहिए। देखो मैं जिस दिमाग की बात बता रहा था आपको, हम लोग नेड्स तो कर रहे हैं चलो ठीक है, वो IQ लगा रहे हैं, लेकिन ये बगी फूटी नहीं हुई है, फिर भी हम लोग दिमाग लगाते हैं कि नहीं दरवाजे से चढ़ेंगे, कार से चढ़ेंगे, इधर से चढ़ेंगे, उधर से चढ़ेंगे, मतलब बगी हटा के हम लोग सिंपल रश कर सकते थे, लेकिन हम लोग क्या, हम दोनों दानव भाई और मैं IQ लगाने लग जाते हैं, नहीं भाई गेट से चढ़ेंगे, यहाँ से चढ़ेंगे, वहाँ से चढ़ेंगे, पर फिर भी हमें बगी से ही, बगी को हटा के ही चढ़ना पड़ता है। बताओ भाई, यहाँ के पीछे की तरफ से एक और गाड़ी आती है, फिर देखो इस बंदे को क्या ही मारता हूँ, अकेला ही बंदा होता है ये, ये वाला बंदा तो मर ही जाता है इजी, पर अभी भी 2 बंदे बचे होते हैं ऊपर। फिर हम लोग ज़्यादा ही देर से खड़े हो जाते हैं, और मैं बगी हटाता हूँ, मैं कहा अब जाके पता लगता है कि ये बगी तो फूटी नहीं होती, और हम लोग यहीं दिमाग लगा रहे होते हैं, और यहीं पे बंदा होता है भाई, क्या ही लो HP से बचता हूँ मैं, यहाँ पे मैं हील लगाने लग जाता हूँ, लेकिन नहीं, फिर मैं सोचता हूँ किल चला जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं हीलिंग लगाने बैठता ना, यहाँ से मेरे हाथों से ये वाला किल चला जाता, इसलिए वो बोलता हूँ हीलिंग छोड़ो पहले बंदे मारे हैं, भाई बंदे कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो भाई मेरे साथ क्या ही स्कैम होता है, मैं देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, यहाँ पे मैंने देखा, और उसके बाद पूरी गेम की साउंड ही चली जाती है भाई, अन्य मजाक हो रहा है, अन्य मजाक हो रहा है भाई, मतलब एक छोटा सा स्लाइड क्या किया भाई, पूरी गेम की साउंड ही भाग जाती है, बताओ यार क्या ही स्कैम है भाई, मैं भी पागल हूँ जो रिकॉर्डिंग चेक करने गया, मैं कहा देख लूँ 11 किल्स हो चुके हैं, क्या पता इसमें चिकन हो जाए, मैं देखता हूँ कि रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, और मैं स्लाइड करता हूँ और वो ऐसी चली जाती है, बताओ यार क्या ही बड़ी किस्मत है, मजाक हो रहा है ये तो, माफ़ करना भाई हो इस बार, अब से मतलब गेम साउंड नहीं आएगी, तो उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी भाई, कुछ ज़्यादा ही साउंड जा रहा है भाई, करना पड़ेगा इसका कुछ। उसके बाद हम लोग रोज़ो किल पहुँचते हैं, सामने ड्रॉप हुआ होता है ना, मैं देख रहा होता हूँ क्या पता बंदे बंदे दिखे जाए, पर दिखता नहीं है, लास्ट में जाके ना यहाँ फाइट हो जाती है, अभी आप लोग को भी दिखेगा, मैं देख ही रहा होता हूँ नॉर्मल ऐसा कि बंदे हैं कि नहीं, और वहाँ पे गन साउंड्स आते हैं, अभी आपको लोग तो आएंगे नहीं, वहाँ पे बंदे होते हैं, वो देखो आपको गाड़ी दिखी, वहाँ पे अभी फाइट होएगी, तो हम लोग चल देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ वेयर हाउस पे बेशर्मों की तरह गाड़ियाँ ठोकते हैं, और यहीं सामने भी बंदा होता है, दानव भाई यहाँ, एक दानव भाई को 1 किल मिलता है, मुझे 1 किल, वो भी नोक कर देते हैं एक बंदे को, और देखो मैं कैसे इसको नोक देता हूँ। इसी के साथ ये वाला डुओ भी आराम से इजी डेड हो जाते हैं,
और देखो दानव भाई को यहाँ कोई AWM से नोक कर देता है, उसको देखना क्या ही हेडशॉट चिपकाता हूँ मैं। पहले तो रिवाइव देता हूँ, उसके बाद हम लोग उन वाले बंदों को देखने लग जाते हैं जिसको दानव भाई ने जिसको जिन्होंने दानव भाई को नोक किया था। फिर इसको बॉडी लगता है, दो बंदे होते हैं एक्चुअली, ये शॉर्ट मिस होते हैं पर ये शॉर्ट नहीं। इस वाले हेडशॉट के लिए लाइक ठोकना मत बोलना भाई, एकदम से ठोकम पीटी कर दो यार। मैं तो हर वीडियो में यही बोलूँगा, ठोकम पीटी कर दो, लाइक के बटन को ठोक ठोक के रख दो। बस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई कर दो, जो भी मेरे चैनल पे नए है ना कर दो, ऐसी कंटेंट लाते रहूँगा भाई। आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस, बस हल्का सा सपोर्ट दिखा दो भाई, कंटेंट दबा के दूंगा। और यहाँ पे मैं उसको दोबारा नॉक कर देता हूँ क्योंकि वो रिवाइव हो जाता है, इसलिए उसकी हेल्थ लो होती है, इसलिए इतनी जल्दी मर जाता है। इसको भी मैं AWM से मार देता हूँ। यहाँ पे दानव भाई का रिएक्शन दोबारा से देखने वाला होता है कि दो किल दोबारा किल चोरी हो गया भाई, अल्टीमेट रिएक्शन होता है भाई उनका अल्टीमेट। उसके बाद हम लोग गाड़ी घुमा रहे होते हैं कि हमें ये वाली गाड़ी दिखती है, और देखो फिर यार साउंड तो है नहीं उसके लिए, सो सॉरी। इसको हेड लगता है बंदे को और इसको मैं चलती गाड़ी से उतार देता हूँ, और दानव भाई यार जानबूझ के गाड़ी रोक देते हैं कि किल नहीं मिलेगा। और देखना भाई ये वाला बंदा अपने आप ही एग्जिट करके गाड़ी से गिर गया, आपको किंग फील्ड में दिख रहा होगा, ये अपने आप ही एग्जिट कर देता है, मर जाता है, हमें किल नहीं दे के जाता भाई, वो पता नहीं क्या ही स्कैम था। उसके पास दो ही बंदे बचे होते हैं और एक बंदा इस वाले घर के पास आते हैं, इसको देखना क्या ही AWM से किल चोरी करता हूँ मैं भाई। इसे तो मेरे 15 किलो ही जाते हैं जो मैं ऊपर वाले से प्रे करता हूँ। फिलहाल के लिए सामने बंदा, इसको शॉट नहीं लगता, इतने में लेफ्ट साइड वाले को देखने लग जाते हैं, वो फायरिंग कर रहा होता है। देखो भाई लास्ट मोमेंट में मेरी एक गोली लग जाती है उस बंदे को, दानव भाई दे रहे होते हैं डैमेज, और ये लास्ट वाले बंदे का किल दानव भाई को चले जाते हैं, अपने 16 किल हो जाते हैं इस मैच में भाई, कम नहीं होते। और हम लोग देख ही रहे होते हैं सामने बंदे। सो इसी के साथ चिकन चुकन हो जाते हैं, और मुझे बताना ज़रूर आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर, जो एड शो चिपकाए थे। सो या गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हो नई एक्साइटिंग वीडियोस के साथ में। टिल देन बाय।